ओके, तो ये है कंपैरिजन ओप्पो एनको एयर 2 प्रो के साथ रियलमी बर्ड्स एयर 5 का। मेरा नाम अतन, मैं आप देख रहे टेक यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे प्राइसिंग यानी कि दाम से। तो यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 2 प्रो आपको मिल जाता है 3,500 रुपए का, और वहीं पे रियलमी एयर 5 भी आपको मिल जाता है 3,500 रुपए का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का ही प्राइस एकदम सेम है। लेकिन अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। तो यहाँ पे जो ओप्पो एनको एयर 2 प्रो है, देख सकते हैं आप किस तरीके के डिजाइन के साथ आता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम डिजाइन है। यहाँ पे आपको वही ऊपर की तरफ मिरर फिनिश वाला डिजाइन दिया गया है, काफी बढ़िया लगता है देखने में। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक छोटा सा एलईडी इंडिकेटर है। यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए। इसमें किसी भी तरीके का आपको रीसेट बटन देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इसमें ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, तो काफी सारा यहाँ पे जो है स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाता है। इसे मुझे यूज करते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का यहाँ पे क्रैक या फिर डेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही तगड़ा बिल्ड क्वालिटी है। साथ में वहीं पे बात करूं ईयरबड्स की, तो ये आप देख सकते हैं ईयरबड्स का जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। साथ ही साथ यहाँ पे आप इसे इजीली जो है कान में पहन करके 4-5 घंटे मूवीज देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं पे बात करें रियलमी के बड्स एयर 5 की, तो यहाँ पे ना केस के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मैट फिनिशिंग दिया गया है, और रियलमी का जो लोगो है वो यहाँ पे ग्लॉसी रखा गया है। इसमें भी आपको एक छोटा सा एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे यहाँ पे यूएसबी टाइप सी पोर्ट है। साथ में यहाँ पे आपको जो है एक रीसेट बटन भी दिया गया है, जिसके हेल्प से आप इसे रीसेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैट फिनिशिंग है ना, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन यार यहाँ पे स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन वहीं पे बात करूं ईयरबड्स की, तो ईयरबड्स का आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डिजाइन है। यहाँ पे आपको जो है वही पाइप लाइक डिजाइन दिया गया है ईयरबड्स में। हालांकि दोस्तों ये वाले ईयरबड्स इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हालांकि दोस्तों ये उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने यहाँ पे ओप्पो रहते हैं। ओप्पो मुझे थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं एज कम्पेयर टू रियलमी। ये वाले की फिटिंग भी काफी अच्छी है, लेकिन यार ये वाला ना थोड़ा सा कभी कभार अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग के साथ आता है रियलमी बर्ड्स एयर 5। आगे बढ़ते हैं कनेक्टिविटी के साथ। यहाँ पे ओप्पो एनको एयर 2 प्रो में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.2, और यहाँ पे रियलमी एयर 5 में मिलता है ब्लूटूथ 5.3 विद गूगल फास्ट पेयरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी के मामले में एयर 5 जीत जाता है। लेकिन अब बात करें फीचर्स की, यहाँ पे इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा आपको खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना। सबसे पहले ओप्पो में आपको जो है IP54 की रेटिंग मिल जाती है, लेकिन वहीं पे रियलमी एयर 5 में आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है। तो यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट या फिर डस्ट रेजिस्टेंट के मामले में ओप्पो जीत जाता है, क्योंकि ओप्पो में जो रेटिंग मिलती है वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक गेमर है, तो आपको यहाँ पे ओप्पो में मिलता है 94 ms, लेकिन वहीं पे रियलमी बर्ड्स एयर 5 में आपको मिलता है 45 ms, जो कि बहुत ही तगड़ा यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो गेमिंग में यहाँ पे क्लियर विनर है रियलमी एयर 5। लेकिन दोनों में आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है। ओप्पो में आपको हे मेलेडी एप्लीकेशन और रियलमी में रियलमी लिंक एप्लीकेशन। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। यहाँ पे दोनों ही सेम प्राइस पे आते हैं, लेकिन बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ANC के अंदर। ओप्पो एनको एयर 2 प्रो में आपको मिलता है 25 डेसिबल्स का ANC, लेकिन वहीं पे रियलमी एयर 5 में आपको मिलता है 50 डेसिबल्स का ANC। तो यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यानी कि ANC के मामले में रियलमी बर्ड्स एयर 5 विनर निकल करके आता है। डेफिनेटली आप रियलमी एयर 5 के साथ जाइए, ANC के मामले में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा रियलमी एयर 5 में। लेकिन दोनों में ही आपको फ्लैगशिप फीचर जैसे कि इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है। तो जैसे आप ईयरबड्स को कानों में से बाहर निकालोगे, तो आपका वीडियो, आपका गाना पॉज हो जाएगा। तो ये फीचर दोनों में ही आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही TWS में आपको डुअल स्विच दिया गया है, जहाँ पे आप दो डिवाइस को पेयर करके रख सकते हैं और उन दोनों के बीच में जो है स्विच कर सकते हैं बटन क्लिक करके। तो ये थे सारे फीचर्स। यहाँ पे फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यार रियलमी जो है विनर निकल करके आता है। हालांकि अगर आपको डुअल स्विच वाला फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे ओप्पो के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं बैटरी लाइफ और चार्जिंग की। सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी चेक कर लेते हैं। ओप्पो में आपको मिलता है 440 mAh बैटरी केस में, और बर्ड्स में है 43 mAh, लेकिन वहीं पे रियलमी में जो है बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। इसमें केस में मिलता है 460 mAh बैटरी और बर्ड्स में मिलता है 43 mAh। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यार केस में जो है ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है रियलमी के अंदर, तो रियल लाइफ में भी जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है बैटरी बैकअप के साथ। और जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, लेकिन यहाँ पे ओप्पो में थोड़ा सा हल्का
एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको मिलता है, लेकिन रियल लाइफ की बात करूं बैटरी बैकअप के मामले में हैंड्स डाउन विनर निकल करके आता है रियलमी बर्ड्स एयर 5। इसका जो वो एक्स्ट्रा एमएज दिया है केस के अंदर वो बहुत ही ज्यादा काम आता है यहाँ पे, और डेफिनेटली बैटरी बैकअप के मामले में रियल विनर निकल करके आता है रियलमी बर्ड्स एयर 5। लेकिन वहीं पे चार्जिंग की बात करूँ तो दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। ओप्पो में अगर आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो 2 घंटे का बैटरी बैकअप, लेकिन वहीं पे रियलमी में 10 मिनट चार्ज करोगे तो 7 घंटे का बैटरी बैकअप। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी किस तरीके से जीत रहा है हर एक चीज़ के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर रियलमी किस तरीके से ओप्पो को जो है टक्कर दे रहा है। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पे रियलमी और ओप्पो एकदम ही सेम लेवल पर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे साउंड क्वालिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपैरिजन का। सबसे पहले ड्राइवर साइज देख लेते हैं। ओप्पो में आपको मिलता है 12.4 mm के ड्राइवर्स और रियलमी में भी आपको मिलता है 12.4 mm के ड्राइवर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में ही एकदम सेम साइज का ड्राइवर दिया गया है। लेकिन अब यार रियल लाइफ की बात कर ले तो रियल लाइफ के अंदर यहाँ पे जो है ओप्पो एनको एयर 2 प्रो का जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी पसंद है, अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी पसंद है, अगर आपको थोड़ी सी शार्पनेस पसंद है, अगर आपको एकदम बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए, अगर आपको बेस बूस्ट नहीं पसंद, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए ओप्पो के एनको एयर 2 प्रो के साथ। इसमें आपको एकदम ही बैलेंस साउंड क्वालिटी, तगड़ी क्लैरिटी, तगड़ा शार्पनेस और बेस बूस्ट नहीं मिलता है, एकदम ही बैलेंस साउंड क्वालिटी दी गई है ओप्पो एनको एयर 2 प्रो में। तो अगर आपको ऐसा जो है साउंड क्वालिटी पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे तगड़ा बेस पसंद है और आपको तगड़े बेस के साथ साथ क्लैरिटी भी चाहिए, शार्पनेस भी चाहिए, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए रियलमी के बर्ड्स एयर 5 के साथ। यहाँ पे ना इसमें तगड़ी बेस भी दी गई है, बूमी बेस है, क्लैरिटी अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है और ओवरऑल साउंड स्टेज भी बहुत ही बढ़िया निकल करके आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि उतना ज़्यादा बैलेंस नहीं है साउंड क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे बेस को बूस्ट किया गया है तो बैलेंस साउंड क्वालिटी नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी और शार्पनेस पर डेफिनेटली जो है थोड़ा सा नजर डाला गया है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको बेस के साथ साथ क्लैरिटी भी चाहिए, शार्पनेस भी चाहिए, तो आप रियलमी एयर 5 के साथ जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको किस तरीके की साउंड क्वालिटी पसंद है। अगर आपको सिर्फ क्लियर साउंड क्वालिटी चाहिए तो ओप्पो, और अगर आपको बेस के साथ क्लियर साउंड क्वालिटी चाहिए तो रियलमी। लेकिन अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर ले, जो कि यहाँ पे कॉल क्वालिटी। जल्दी से यहाँ पे कॉलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से किसका माइक्रोफोन ज्यादा अच्छा काम करता है, किस में ज्यादा अच्छी आपको जो है नॉइस कैंसिलेशन मिलती है। चलिए यहाँ पे कॉलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट रियलमी बर्ड एयर 5 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फैन चालू है और आप पसंद करके डिसाइड कर लेंगे किस तरीके की आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिल रही है। यहाँ पे जो है बैकग्राउंड नॉइज कितना कैप्चर हो रहा है, मेरा आवाज किस तरीके से कैप्चर हो रहा है, सब कुछ आप ऑप्शन करके डिसाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनको पहना हुआ है, तो यहाँ पे जो है फैन के नीचे खड़े होकर यार मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है। वैसे यार मैंने नोटिस किया है कि इसका माइक्रोफोन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सुन करके डिसाइड करना है कि आपको इसे कॉलिंग के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं। तो यह है कॉलिंग टेस्ट रियलमी बर्ड्स एयर 5 का। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की तरफ कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको सुन करके डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो रियलमी बर्ड्स एयर 5 है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है कॉलिंग के अंदर आउटडोर में, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा सुन करके किस तरीके से यहाँ पे जो है इसकी माइक्रोफोन काम करती है, किस तरीके से यहाँ पे जो है जो 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही हैं इस ट्रैफिक के अंदर। अभी जो आवाज सुने वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है ओप्पो एनको एयर 2 के माइक्रोफोन से, और डेफिनेटली यहाँ पे जो है इंडोर कंडीशंस में आपको इसका माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार का मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको इसके माइक्रोफोन में AI नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है, तो आपको जो है उस चीज को चेक करना है। इंडोर्स में मैंने यहाँ पे AC ऑन रखा है, तो आपको यहाँ पे सुन करके बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको यहाँ पे AC का आवाज सुनाई दे रहा है, कैसा मेरा आवाज आ रहा है, वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं इसके माइक्रोफोन के थ्रू। अब चलते हैं यहाँ पे आउटडोर। तो ये है यहाँ पे आउटडोर सैंपल, जहाँ पे आपको जो है मैं आउटडोर में जो है माइक्रोफोन का बता रहा हूँ कैसे क्वालिटी वगैरह आ रही है, मेरी आवाज कैसे आ रही है, आप ऐसा सुन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है गाड़ियाँ वगैरह काफी ज्यादा चल रही है, ट्रैफिक वगैरह है काफी ज्यादा, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आवाज वगैरह सुन करके जज कर सकते हैं कैसा यहाँ पर माइक्रोफोन इसका परफॉर्म कर रहा है। वैसे यार यहाँ पे जो है काफी अच्छा खासा है यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं।
तो ओवरऑल ये जो कंपैरिजन है ये यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इन दोनों का विनर जो निकल करके आता है वो यहाँ पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे ओप्पो और रियलमी के बीच में काफ़ी टक्कर की लड़ाई है। ओप्पो यहाँ पे अपने तगड़े साउंड क्वालिटी के साथ आता है, क्लियर साउंड क्वालिटी के साथ आता है, तो वहीं पर ओप्पो में आपको उतनी ज़्यादा जो है फीचर्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन वहीं पर जो रियलमी के बड्स एयर 5 है ये आता है तगड़े फ्लैगशिप फीचर्स के साथ, लेकिन यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी उतनी बैलेंस नहीं है। तो आपको यहां पे डिसाइड करना है कि आपको यहां पे थोड़े कम फीचर्स के साथ बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए तो आप यहां पे ओप्पो एनको एयर 2 प्रो के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फीचर्स एकदम तगड़े वाले चाहिए और साथ ही साथ बेस भी एकदम तगड़ा चाहिए और क्लैरिटी भी आपको चाहिए अच्छी खासी, तो आप यहां पे जा सकते हैं रियलमी के बड्स एयर 5 के साथ। तो ये था हमारा कंपैरिजन, बाकी ओवरऑल इतना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।